नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का। तो साथियों, आज हम मैच कवर करेंगे 50वां आईपीएल मुकाबला जो खेला जाएगा सनराइज हैदराबाद वर्सेज राजस्थान रॉयल्स के बीच में। दोस्तों, मुकाबला 2 मई को खेले जाने वाला है। 7:30 पर मैच स्टार्ट होगा राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद की पिच पर। तो दोस्तों, हैदराबाद की पिच रिपोर्ट कैसी है आज की यूनिक ग्रैंड लीग टीम में? दोस्तों, यहां से सनराइज हैदराबाद की टीम से कौन सा खिलाड़ी इंपोर्टेंट होगा और यहां से दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की तरफ से कौन सा खिलाड़ी ट्रंप प्लेयर में देखने को मिल सकता है? ट्रेविस हेड दोस्तों कंटिन्यू 2 मैचों से फ्लॉप चल रहा है, क्या दोस्तों वो आज के मैच में परफॉर्मेंस करेगा या फिर से फ्लॉप होगा? संदीप शर्मा दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में राजस्थान की तरफ से जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या दोस्तों वो खिलाड़ी आज के मैच में कैप्टन वॉइस कैप्टन हो सकता है? या फिर दोस्तों यशस्वी जायसवाल जो कि 50+ रन मार सकता है, क्या दोस्तों उसको ट्राई करके चलना है या फिर वो खिलाड़ी फ्लॉप होगा? कैसे दोस्तों हम यूनिक ग्रैंड लीग टीम का कॉम्बिनेशन बना के चल सकते हैं? कितने ट्रंप प्लेयर दोस्तों दोनों टीमों की तरफ से देखने को मिलेंगे? कितने ऑलराउंडर इंपोर्टेंट है? कितने दोस्तों बैटिंग ऑर्डर इंपोर्टेंट होंगे? कितने बॉलर आज के मैच में दोस्तों परफॉर्मेंस करेंगे? यूजी चहल दोस्तों फिर से फ्लॉप होगा या फिर परफॉर्मेंस करके जाएगा? कौन से खिलाड़ी को हम कैप्टन लगा के चल सकते हैं? कौन से खिलाड़ी को दोस्तों वॉइस कैप्टन लगा के चल सकते हैं? दोनों टीमों की तरफ से दोस्तों कितने खिलाड़ी आज के मैच में इंपोर्टेंट होंगे? तो ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है। प्लस में दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही शानदार कैश गिवे, जिसमें दोस्तों आपको मिल सकते हैं पूरे 25,000 रुपए, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। कैसे खेलना है, कैसे दोस्तों 25,000 रुपए का कैश विन करना है, वो आपको वीडियो के अंदर पता लग जाएगा। तो फटाफट से दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। बात करेंगे दोस्तों यहां से राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद की जो पिच है वो कैसी है, बैटिंग फ्रेंडली है या फिर दोस्तों यहां पर स्पिनर्स अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं या फिर दोस्तों पेसर्स यहां पर बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं? तो सबसे पहले पिच रिपोर्ट के बारे में बात करें, जो कि दोस्तों पिच बैटिंग पिच देखने को मिलेगी। टोटल इस पिच पर अभी तक 74 आईपीएल मुकाबले खेले गए हैं। जो टीम दोस्तों यहां पर पहले बैटिंग करती है उस टीम ने 34 मुकाबले जीते हैं। सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने दोस्तों यहां पर 39 मुकाबले अभी तक विन किए हैं। एक मुकाबला दोस्तों इस पिच पर टाई भी हो चुका है। अगर बात करें पिच के एवरेज स्कोर की, तो यहां पर दोस्तों जो टीम पहले बैटिंग करती है उसका एवरेज स्कोर लगभग 162 के करीब देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों यहां पर सनराइज हैदराबाद की टीम पहले बैटिंग करेगी तो लगभग दोस्तों 250+ के करीब भी स्कोर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सनराइज हैदराबाद की तरफ से देखें तो यह मुकाबला दोस्तों हैदराबाद की तरफ से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों सनराइज हैदराबाद की टीम यह मैच भी अगर हार जाती है तो पॉइंट टेबल में दोस्तों बहुत नीचे आ जाएगी, लगभग सेमीफाइनल की जो जगह है इसकी यहां पर दोस्तों हट जाएगी और इसकी जगह जो और अदर टीम में है वो दोस्तों उनकी जगह पक्की हो जाएगी। यानी कि दोस्तों सनराइज हैदराबाद के लिए ये मुकाबला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग दोस्तों लगभग यहां से अगर मैं बात करूं तो 80% चांसेस रहेंगे कि सनराइज हैदराबाद की टीम दोस्तों इस पिच पर बैटिंग ही करेगी। तो बैटिंग यहां पर करेगी तो सनराइज हैदराबाद के जो ओपनिंग बैट्समैन है वो दोस्तों खतरनाक बैटिंग करेंगे। लगभग जो पीछे के आपको मैचेस देखने को मिले हैं सनराइज हैदराबाद की टीम की तरफ से, उसी प्रकार से दोस्तों आपको कुछ रन देखने को मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा रन की बात करें जो कि यहां पर सनराइज हैदराबाद की टीम ने बनाया हुआ है 277 रन, जो कि इसी आईपीएल में बनाया है। सबसे कम स्कोर दोस्तों दिल्ली का है, ओनली 80 रन पे ऑल आउट है। बात करें अगर बॉलिंग के बारे में, लास्ट के जो 5 मैचेज यहां पर खेले गए हैं उसमें दोस्तों पेसर्स को ओनली 27 विकेट मिली है, स्पिनर्स को 21 विकेट मिली है। यानी कि दोस्तों यूजी चहल इस पिच पर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा। प्लस में मयंक मार्कंडे, ये दोनों स्पिनर दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। प्लस में दोस्तों अश्विन की बात करें जो कि ऑलराउंडर ऑप्शन में ट्रंप प्लेयर भी हो सकता है, क्योंकि उस खिलाड़ी का बहुत ही लो सिलेक्शन है, वो आपको आगे मैं दिखाऊंगा कि उसका रिसेंट परफॉर्मेंस कैसा है। अगर बात करें स्कोरिंग पैटर्न के बारे में तो 150 से नीचे दोस्तों 35 बार स्कोर है, 150-170 के बीच में 11 बार स्कोर है, 170-190 के बीच में 12 बार स्कोर है, 190 से ऊपर यहां पर दोस्तों टोटल 16 बार स्कोर देखने को मिला है। यानी कि जो पिच रहेगी वो बैटिंग के फेवर में देखने को मिलेगी और यहां पर दोस्तों अगर सनराइज हैदराबाद की टीम पहले बैटिंग करती है तो काफी बढ़िया स्कोर देखने को मिलेगा। अगर बात करें दोस्तों रिसेंट के मैचों के बारे में, जब भी दोस्तों यहां पर सनराइज हैदराबाद की टीम ने पहले बैटिंग की है तो लगभग दोस्तों यहां पर जितने भी मैचों की बात करें तो जब भी दोस्तों
सनराइज हैदराबाद की टीम ने बैटिंग की है तो स्कोर काफी बढ़िया देखने को मिला है। यहां पर बात करें आरसीबी सनराइज हैदराबाद 2024 में मैच खेला गया था, यहां पर दोस्तों आरसीबी की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 206 रन का टारगेट रखा था और यहां पर सनराइज हैदराबाद की टीम दोस्तों चेस नहीं कर पाई थी, जिसमें 6 विकेट स्पिनर्स को मिली थी, 9 विकेट दोस्तों यहां पर पेसर्स को मिली। उसके बाद 2024 में ही सीएसके और सनराइज हैदराबाद के बीच में मैच खेला गया, जिसमें 4 विकेट स्पिनर्स को मिली थी, 5 विकेट पेसर्स को, और यहां पर दोस्तों सीएसके की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 165 रन का टारगेट रखा था, लेकिन यहां पर मैच को विन कर लिया था दोस्तों सनराइज हैदराबाद की टीम ने। यहां पर 2024 में मुंबई और सनराइज हैदराबाद के बीच में मैच खेला गया, सनराइज हैदराबाद की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 277 रन का टारगेट रखा था, जिसमें दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम चेस नहीं कर पाई थी, 2 विकेट स्पिनर्स को मिली थी, 6 विकेट दोस्तों यहां पर पेसर्स को मिली। फिर यह 2023 में आरसीबी वर्सेज और सनराइज हैदराबाद के बीच में मुकाबला खेला गया था, यह दोस्तों 2023 का मैच है, जिसमें 3 विकेट स्पिनर्स को मिली थी, 4 विकेट दोस्तों पेसर्स को मिली थी। यानी कि इस पिच की बात करें तो इस पिच पे दोस्तों रीसेंट 2024 में 3 आईपीएल मुकाबले खेले गए हैं, 3 में से दोस्तों 2 मुकाबले सनराइज हैदराबाद की टीम ने विन किए हैं। एक मुकाबला दोस्तों यहां पर पहले बैटिंग करते हुए काफी अच्छा स्कोर किया था, जब भी दोस्तों सनराइज हैदराबाद की टीम किसी भी ग्राउंड पे पहले बैटिंग करती है तो स्कोर 200 प्लस का देखने को मिली जाता है। यहां पर दोस्तों सीएसके की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 165 रन का टारगेट रखा, सनराइज हैदराबाद की टीम ने आराम से चेस कर लिया था, और यहां से दोस्तों अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम पहले बैटिंग कर रही है तो कॉम्बिनेशन आपको राजस्थान रॉयल्स के ऊपर ट्राई करके चलना है, क्योंकि दोस्तों फिर यहां से सनराइज हैदराबाद की टीम लड़खड़ाएगी लास्ट में और यहां पर दोस्तों रन चेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी रिसेंट के मैचेस देखे हैं सनराइज हैदराबाद की टीम ने बाद में बैटिंग करते हुए ही मुकाबले हारे हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि हम कैसे जीत सकते हैं दोस्तों 25,000 रुपए का कैश गिववे। तो दोस्तों 2 मई को जो मुकाबला खेले जाने वाला है सनराइज हैदराबाद वर्सेज राजस्थान रॉयल्स के बीच में, मैच से पहले दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आज ही डाउनलोड करें माई 11 सर्कल ऐप और इस एप्लीकेशन पे दोस्तों बनाएं अपनी यूनिक ग्रैंड लीग टीम, जिसमें दोस्तों आप 25,000 रुपए तक विन कर सकते हो, वो भी 1 रुपए में। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर मिनिमम फर्स्ट प्राइज आपको 1 करोड़ रुपए का देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर अगर आप पहली बार डिपॉजिट करते हो तो आपको 20% एक्स्ट्रा कैश, और उसके साथ साथ दोस्तों 200 रुपए अगर आपने इस एप्लीकेशन में डाले हैं तो 240, मतलब दोस्तों 20% आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। 100 रुपए पे दोस्तों आपको 20 रुपए देखने को मिलेंगे, 100 रुपए डाले हैं तो 20 रुपए एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेंगे, 120 रुपए, 1000 डाले हैं तो दोस्तों 1200 रुपए का कैश देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ दोस्तों वेलकम बोनस जो कि काफी बढ़िया है 1500 रुपए का वेलकम बोनस देखने को मिलेगा। नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, ऑफिशियल स्पॉन्सर भी है दोस्तों टाटा आईपीएल 2024 में, और काफी जबरदस्त ऑफर भी देखने को मिल जाते हैं। ये सभी ऑफर दोस्तों आपको आपके तब एक्टिव होंगे अगर आपने डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है, प्लस में मेरा रेफर कूपन अगर आपने यूज किया है। तो जल्दी से दोस्तों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और इस एप्लीकेशन पे बनाएं आज की यूनिक ग्रैंड लीग टीम, जिसमें दोस्तों प्रॉफिट बनाएं काफी ढेर सारा। उसके बाद दोस्तों हेड टू हेड की बात कर लेते हैं, लास्ट के 10 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं, उसमें दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम ने हेड टू हेड में 5 मुकाबले जीते हैं, सनराइज हैदराबाद की टीम ने भी दोस्तों 5 मुकाबले विन किए हैं। रिसेंट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दोस्तों 5 में से 3 मुकाबले यहां पर सनराइज हैदराबाद की टीम विन करके आ रही है, जिसमें 2 मुकाबले कंटिन्यू इस टीम ने हारे हैं। लेकिन दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बात करें, अगर ये मैच दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम हार भी जाती है तो भी इस टीम पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सनराइज हैदराबाद की टीम की तरफ से, और यहां पर दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम ने रिसेंट में 5 में से 4 मुकाबले विन करके रखे हैं। काफी बढ़िया बैटिंग है, काफी बढ़िया बॉलिंग भी है, प्लस में दोस्तों अगर सनराइज हैदराबाद की टीम पहले बैटिंग करती है तो स्कोर काफी बढ़िया देखने को मिलेगा। काफी जबरदस्त मुकाबला ये खेले जाने वाला है, क्योंकि काफी टाइम से दोस्तों मैं भी ये मैच का इंतजार कर रहा हूं कि कब सनराइज हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला देखने को मिलेगा, और काफी बढ़िया बैटिंग प्लस में काफी बढ़िया बॉलिंग दोस्तों देखने को मिल जाएगी सनराइज हैदराबाद की टीम की तरफ से। प्लस में दोस्तों यहां से राजस्थान रॉयल्स की टीम जबरदस्त परफॉर्मेंस पे है, अगर दोस्तों ये मुकाबला विन करना है सनराइज हैदराबाद की टीम ने तो यहां से ट्रेविस हेड प्लस में अभिषेक शर्मा दोनों का चलना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ हेनरी कैलासन की बैटिंग जबरदस्त होनी चाहिए, फिर दोस्तों नीतीश रेड्डी और अब्दुल प्लस में यहां पर शहबाज अहमद, तीनों ऑलराउंडर में एक ऑलराउंडर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा, तभी दोस्तों स्कोर बोर्ड पे लगभग 270-280 के करीब स्कोर देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में, ओपनिंग बैट्समैन ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, एडन मार्करम, हेनरी कैलासन, नीतीश रेड्डी, उसके साथ दोस्तों अब्दुल
अब्दुल, फिर यहाँ से शहबाज अहमद, पैट कमिंग्स, भुवनेश्वर कुमार और यहाँ पर जयदेव उनादकट, उसके बाद नटराजन। ये दोस्तों फाइनल प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी सनराइज हैदराबाद की टीम की तरफ से। अगर बात करें इनके प्लेयर परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन सा खिलाड़ी किस प्रकार की बैटिंग कर रहा है, तो सबसे पहले दोस्तों ट्रेविस हेड रीसेंट के कंटिन्यू दोनों मैचों में फ्लोप है, उसके बाद 89 रन, 102 रन, उसके बाद 21 रन। हेड टू हेड में पहला मुकाबला है, पिच पे दोस्तों 4 मैचेज खेल चुका है, टोटल 124 रन है, 31 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, आईपीएल में दोस्तों 38 का एवरेज स्कोर है। लेकिन अगर बात करें दोस्तों इस खिलाड़ी के परफॉर्मेंस की, अगर यहां से अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड दोनों फिर से फ्लोप होते हैं तो स्कोर दोस्तों लगभग 180 या फिर 185 के करीब ही देखने को मिलेगा। तो दोनों खिलाड़ियों को चलना आज के मैच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर दोस्तों सनराइज हैदराबाद की टीम पहले बैटिंग कर रही है तो कैप्टन यहां से ट्रेविस हेड को ट्राई करके चलना है। अगर दोस्तों यहां पर बाद में बैटिंग करती है तो वो इस कैप्टन आपका होना चाहिए ट्रेविस हेड, क्योंकि ये खिलाड़ी आज के मैच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो कि कंटिन्यू दोनों मैचों में फ्लोप है। आज के मैच में इस खिलाड़ी की तरफ से परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। उसके साथ अभिषेक शर्मा रिसेंट में 15 रन, उसके बाद 31 रन, 0 विकेट, फिर दोस्तों 46 रन, फिर 34 रन, 0 विकेट, उसके बाद 16 रन। हेड टू हेड में 4 मैचेस, टोटल 85 रन है, 28 एवरेज स्कोर बैटिंग से, प्लस में 0 विकेट। ग्राउंड पे दोस्तों 11 मैचेस खेल चुकी है, टोटल 171 रन है, 17 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, प्लस में 2 विकेट। आईपीएल में दोस्तों 9 विकेट ले चुकी है, 24 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, टोटल 1196 रन दोस्तों इस खिलाड़ी ने बनाए हुए हैं टोटल आईपीएल फॉर्मेट में। दोनों खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होंगे, दोनों खिलाड़ियों को दोस्तों आज के मैच में जीएल टीम में ट्राई करके चलना है। उसके साथ बात करेंगे एडन मार्करम की, जो कि रिसेंट में दोस्तों 32 रन का परफॉर्मेंस करके आ रहा है, उसके बाद कंटिन्यू 2 मैचों में फ्लोप है, फिर 32 रन नाबाद, फिर दोस्तों यहां से 0 रन। हेड टू हेड के मैचों की बात करें तो टोटल 3 मुकाबले इस खिलाड़ी ने खेले हैं, 89 रन दोस्तों ये खिलाड़ी हेड टू हेड में राजस्थान के खिलाफ बना चुका है। ग्राउंड की बात करें तो 9 मैचों में दोस्तों टोटल 248 रन, 35 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, आईपीएल में 2 विकेट है, 31 का एवरेज स्कोर दोस्तों टोटल इसका बैटिंग से है, 974 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हुए हैं। अगर एडन मार्करम की बात करें तो रिसेंट वाले मैच में परफॉर्मेंस है, तो शायद आज के मैच में ये खिलाड़ी फ्लॉप भी हो सकता है। मैं दोस्तों इस खिलाड़ी को ट्राई नहीं करने वाला हूं। यहां से मेरा विकेट कीपर ऑप्शन दोस्तों होगा हेनरी कैलासन, जो कि रिसेंट के कंटिन्यू 3 मैचों से फ्लोप है, फिर यहां पर 67 रन, फिर दोस्तों 9 रन, हेड टू हेड में 2 मैचेस, टोटल 32 रन, 16 का एवरेज स्कोर, ग्राउंड पे दोस्तों काफी खतरनाक बैटिंग होती है, वो इस कैप्टनसी में ट्राई करके चलना है आज के मैच में हेनरी कैलासन को, क्योंकि 58 का एवरेज स्कोर है, आईपीएल में दोस्तों 38 का एवरेज स्कोर है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है दोस्तों हेनरी कैलासन, और लगभग स्मॉल लीग टीम में तो सबसे ज्यादा हाई सिलेक्शन विकेट कीपर में हेनरी कैलासन का देखने को मिलेगा, प्लस में ग्रैंड लीग टीम में भी वो इस कैप्टन और कैप्टनसी में देखने को मिल सकता है। उसके साथ दोस्तों बात कर लेते हैं, यहां से हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ियों की तो बात हो गई, प्लस में दोस्तों अब ट्रंप प्लेयरों के ऊपर चलते हैं, जो कि सनराइज हैदराबाद की टीम से देखने को मिल सकते हैं। तो यहां से दोस्तों नीतीश रेड्डी, जो कि रिसेंट में 15 रन, 0 विकेट, फिर यहां पर 13 रन, फिर 37 रन, 2 विकेट, 64 रन, 1 विकेट। हेड टू हेड में पहला मैच, ग्राउंड पे 2 मैचेस, टोटल 27 रन, आईपीएल में 3 विकेट है, 35 का एवरेज स्कोर बैटिंग से। यहां पर दोस्तों अगर सनराइज हैदराबाद की टीम पहले बैटिंग कर रही है तो यहां से दोस्तों बॉलिंग आपको नीतीश रेड्डी की देखने को मिलेगी, प्लस में बैटिंग से परफॉर्मेंस है, और उसके साथ साथ ये खिलाड़ी बॉलिंग से भी परफॉर्मेंस करेगा, जो कि यहां पर इस खिलाड़ी ने किया भी हुआ है। बॉलिंग से विकेटें निकाली भी है, जो कि 3 विकेट दोस्तों ले चुका है, और आईपीएल में काफी बढ़िया बैटिंग भी है, प्लस में ये खिलाड़ी आपको ट्रंप प्लेयर में देखने को मिलेगा सनराइज हैदराबाद की टीम की तरफ से। उसके साथ साथ दोस्तों अब्दुल की बात करें, जो कि रिसेंट में 19, फिर उसके बाद 10, फिर 13, 37 रन नाबाद, फिर दोस्तों 25 रन, हेड टू हेड में 4 मैचेस, टोटल 63 रन है, 31 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, और यहां पर ग्राउंड पे 36 का एवरेज स्कोर है, आईपीएल में 21 का एवरेज स्कोर है। मैं दोस्तों यहां से अब्दुल को ड्रॉप करके चलूंगा, क्योंकि इसकी जगह जो मुझे पिक करके चलना है शहबाज अहमद, जो कि दोस्तों बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस करके दे सकता है। रिसेंट में ये खिलाड़ी फ्लोप है, उसके बाद 40 रन नाबाद, प्लस में 0 विकेट, 59 रन नाबाद, 0 विकेट, फिर यहां पर फिर से फ्लोप, हेड टू हेड में 4 मैचेस, टोटल 76 रन, 25 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है, प्लस में 2 विकेट है, ग्राउंड पे दोस्तों 3 विकेट ले चुका है, 58 रन है। आईपीएल की बात करें तो 17 विकेट है, 22 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, टोटल 497 रन दोस्तों इस खिलाड़ी ने आईपीएल फॉर्मेट में बनाए हुए हैं। शहबाज अहमद की बात करें, जो कि ट्रंप प्लेयर होगा यूनिक ग्रैंड लीग टीम में, और ड्रॉप करके नहीं चलना है, प्लस में दोस्तों नीतीश रेड्डी, दोनों खिलाड़ी इंपोर्टेंट है।
उसके साथ दोस्तों यहां से पैट कमिंग्स रिसेंट वाले मैच में फ्लॉप है, एक विकेट के साथ जरूर परफॉर्मेंस करके देगा। हेड टू हेड में 6 विकेट है, ग्राउंड में 4 विकेट, आईपीएल में 55 विकेट। यहां पर दोस्तों हाई सिलेक्शन में देखने को मिलेगा पैट कमिंग्स, और अभी के लिए दोस्तों पिक करके चलना है। उसके साथ भुवनेश्वर कुमार की बात करें जो कि दोस्तों रिसेंट वाले मैच में 1 विकेट लेके गया है, शायद आज के मैच में ये खिलाड़ी फ्लॉप होगा। हेड टू हेड में 15 विकेट इसके पास है टोटल 16 मैचों में आए, और यहां पर 43 विकेट ग्राउंड पे ले चुका है, 175 विकेट दोस्तों आईपीएल में है। उसके साथ जयदेव उनादकट जो कि रिसेंट के कंटिन्यू मैचों में दोस्तों परफॉर्मेंस है, एक ही मैच में फ्लॉप है। इस पिच पर काफी बढ़िया बॉलिंग होती है जयदेव उनादकट की, क्योंकि 17 विकेट दोस्तों इस खिलाड़ी ने इस पिच पर निकाली हुई है, और हेड टू हेड में 4 विकेट है, आईपीएल में दोस्तों 99 विकेट है। ये खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होगा, 2 विकेटों के साथ दोस्तों जयदेव उनादकट परफॉर्मेंस करके देगा, लो सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है। उसके साथ साथ दोस्तों यहां से फाइनल बॉलर की बात करें जो कि नटराजन, रिसेंट के कंटिन्यू मैचों में इस खिलाड़ी ने भी परफॉर्मेंस किया हुआ है। अगर दोस्तों यहां से सनराइज हैदराबाद की टीम पहले बॉलिंग करवाती है तो यहां से दोस्तों आपको नटराजन की बात करें तो 1 विकेट यहां से नटराजन देखने को मिल सकती है, जयदेव उनादकट के साथ दोस्तों 1 या 2 विकेट मिल सकती है। अगर यहां पर बाद में बॉलिंग करवाती है सनराइज हैदराबाद की टीम तो यहां से नटराजन को 2 से 3 विकेटें मिलेगी, जयदेव उनादकट दोस्तों ट्रंप प्लेयर में भी देखने को मिल सकता है 2-3 विकेटों के साथ। उसके साथ साथ दोस्तों नीतीश रेड्डी जो कि आज के मैच में परफॉर्मेंस कर सकता है बाद में बॉलिंग करते हुए। उसके साथ दोस्तों बात कर लेते हैं स्टार्टिंग और डेथ में जो खिलाड़ी बॉलिंग करवाएगा, स्टार्टिंग में यहां से भुवनेश्वर कुमार, उसके साथ नीतीश रेड्डी, नटराजन, शहबाज अहमद, डेथ में दोस्तों नटराजन, जयदेव उनादकट और पैट कमिंग्स, ये दोस्तों स्टार्टिंग और डेथ में स्पेशलिस्ट बॉलर देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें दोस्तों इनके इंपैक्ट प्लस में बेंच प्लेयरों के बारे में, क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मयंक मार्कंडे जो कि रिसेंट के कंटिन्यू मैचों में परफॉर्मेंस, हेड टू हेड में अभी तक विकेट नहीं मिली है लेकिन पिच पे 11 विकेट है, 37 विकेट आईपीएल में। ये खिलाड़ी दोस्तों लो सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है, अगर खेलेगा तो प्लस में दोस्तों 2 विकेटों के साथ परफॉर्मेंस कर सकता है। उसके साथ दोस्तों अनमोल प्रीत सिंह जो कि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते हुए नजर आया रिसेंट में, जो कि हेड टू हेड में 19 के एवरेज स्कोर से बैटिंग है और 36 का एवरेज स्कोर दोस्तों ग्राउंड पे है क्योंकि एक ही मुकाबला खेला है, आईपीएल में इस खिलाड़ी का 16 का एवरेज स्कोर है। बाकी दोस्तों यहां से कोई भी खिलाड़ी अगर फाइनल प्लेइंग 11 में अपडेट होता है या फिर दोस्तों इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आता है वो अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जल्दी से दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। तो यहां से दोस्तों बात करेंगे प्लेयर बैटल के बारे में क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों अभिषेक शर्मा जो कि ओपनिंग बैट्समैन है, उसके साथ ट्रेविस हेड, दोनों की बात करें तो संदीप शर्मा दोस्तों एक बार आउट कर चुका है यहां से ट्रेविस हेड को, बाकी कोई भी बॉलर यहां से ट्रेविस हेड को आउट नहीं कर पाया है। बाकी दोस्तों अभिषेक शर्मा को एक बार ट्रेंट बोल्ट, एक बार आवेश खान, एक बार यूजी चहल, एक बार अश्विन, एक बार नवदीप सैनी, उसके साथ हेनरी कैलासन को एक बार आवेश खान, एक बार यूजी चहल, और यहां पर अब्दुल को 2 बार यूजी चहल, एक बार यहां से आवेश खान, और एडन मार्करम को दोस्तों एक बार यहां से यूजी चहल। तो यूजी चहल दोस्तों इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है, प्लस में ट्रंप प्लेयर भी हो सकता है क्योंकि रिसेंट में दोस्तों यूजी चहल फ्लॉप था, प्लस में आज के मैच में दोस्तों यूजी चहल की तरफ से काफी बढ़िया परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा क्योंकि कंटिन्यू दोस्तों जो खिलाड़ी फ्लॉप चलता है वो खिलाड़ी बैकअप करेगा, प्लस में काफी बढ़िया कमबैक करता है, उसी के साथ दोस्तों वो खिलाड़ी सीवीसी में भी देखने को मिल सकता है। बात करेंगे दोस्तों यहां से राजस्थान रॉयल्स की फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में, तो ओपनिंग बैट्समैन दोस्तों यशस्वी जायसवाल, उसके साथ बटलर, संजू सैमसन, रेयान पराग, ध्रुव जुरैल और सिमरन हेटमायर, यहां से अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, संदीप शर्मा और यूजी चहल, ये दोस्तों फाइनल प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से। अगर बात करें इनके प्लेयर परफॉर्मेंस के हिसाब से दोस्तों कौन सा खिलाड़ी क्या परफॉर्मेंस कर रहा है रिसेंट में, यशस्वी जायसवाल ने किस प्रकार की बैटिंग की है। सबसे पहले दोस्तों यशस्वी जायसवाल रिसेंट में 24 रन, उसके बाद 104 रन नाबाद, फिर दोस्तों 19 रन, फिर 39 रन, उसके बाद 24 रन, हेड टू हेड में 5 मैचेज खेले हैं, 31 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है और एक मुकाबला दोस्तों ग्राउंड पे खेला था जिसमें 54 रन बनाए, 33 का एवरेज स्कोर दोस्तों यहां पर आईपीएल में है। उसके बाद बटलर की बात करें तो रिसेंट के कंटिन्यू मैचों में ये खिलाड़ी ड्रीम टीम में देखने को मिल रहा है, एक ही मैच में फ्लॉप है, बाकी दोस्तों 2 शतक भी ये खिलाड़ी बना चुका है, हेड टू हेड में 12 मैचेज टोटल 381 रन, 31 का एवरेज स्कोर, ग्राउंड पे 19 का एवरेज स्कोर, 40 का एवरेज स्कोर दोस्तों यहां पर आईपीएल में है। अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम पहले बैटिंग करती है तो दोनों खिलाड़ियों को ट्राई करके चलना है, अगर दोस्तों चेस करने आती है तो लगभग दोस्तों यशस्वी जायसवाल और बटलर में से जोस बटलर को ट्राई करके चलना है, यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप भी करके चल सकते हो क्योंकि फिर दोस्तों इस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। फिर उसकी जगह दोस्तों यहां से विकेट कीपर ऑप्शन में संजू सैमसन जो कि काफी बढ़िया इंपॉर्टेंट है, वो इस कैप्टनसी में भी पिक करके चल सकते हो, रिसेंट में 71
72 रन नाबाद, फिर 38 रन नाबाद, 12 रन, 18 रन, फिर दोस्तों 68 रन नाबाद। हेड टू हेड में 21 मुकाबले, टोटल 719 रन, 49 का एवरेज स्कोर दोस्तों हेड टू हेड में है, ग्राउंड पे 71 का एवरेज स्कोर है और 32 का एवरेज स्कोर यहां पर आईपीएल में है। तो संजू सैमसन दोस्तों वीसी में ट्राई करके चलना है, प्लस में कैप्टनसी में भी ट्राई करके चल सकते हो। अगर चेस करने आती है राजस्थान रॉयल्स की टीम या फिर पहले बैटिंग भी करती है तो भी वीसी में काफी बढ़िया चॉइस है संजू सैमसन, क्योंकि काफी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है रिसेंट में। एक ही मैच में दोस्तों फ्लोप है 12 और एक मैच में 18, बाकी के हर मैच में दोस्तों इस खिलाड़ी ने नाबाद परफॉर्मेंस किया है। उसके साथ रेयान पराग रिसेंट में 14 रन, फिर यहां पर बैटिंग नहीं, फिर 34, 23, 76, उसके बाद 4, हेड टू हेड में 6 मैचेस, टोटल 24 का एवरेज स्कोर, ग्राउंड पे 7 का एवरेज स्कोर, आईपीएल में 4 विकेट और 23 का एवरेज स्कोर दोस्तों इस खिलाड़ी का बैटिंग से है। रेयान पराग की बात करें तो रेयान पराग को दोस्तों आज के मैच में ट्रंप प्लेयर की तरह यूज करके चलना है, ऑलराउंडर में पिक करके चलना है, क्योंकि रेयान पराग दोस्तों ट्रंप प्लेयर में देखने को मिलेगा। प्लस में बहुत ही लो सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है, क्योंकि रिसेंट के 2 मैचों से दोस्तों इस खिलाड़ी की तरफ से परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है, क्योंकि एक मैच में बैटिंग नहीं है और एक मैच में दोस्तों फ्लॉप गया था। उसके साथ विकेट कीपर ऑप्शन ध्रुव जुरैल, जो कि रिसेंट में 52 रन नाबाद, फिर बैटिंग नहीं, उसके बाद कंटिन्यू 2 मैचों में यहां पर फ्लॉप है, फिर बैटिंग नहीं, फिर 2 रन, आज के मैच में दोस्तों ड्रॉप ही करके चलना है। हेड टू हेड वेन्यू पे पहला मैच है, ग्राउंड पे दोस्तों इस खिलाड़ी ने 25 के एवरेज स्कोर से बैटिंग की है, टोटल 253 रन और 22 मुकाबलों में से। शिमरन हेटमायर दोस्तों ट्रंप प्लेयर में देखने को मिल सकता है, अगर यहां से चेस करने आती है राजस्थान रॉयल्स की टीम, बाद में बैटिंग करती है, तो शिमरन हेटमायर प्लस में ध्रुव जुरैल दोनों की बैटिंग देखने को मिलेगी। लेकिन यहां से शिमरन हेटमायर दोस्तों कंटिन्यू यहां पर मैचों में बैटिंग बहुत ही कम देखने को मिली है, जो कि हेड टू हेड में 37 के एवरेज स्कोर से बैटिंग है, 31 का एवरेज स्कोर दोस्तों ग्राउंड पे, 1200 रन कंप्लीट कर चुका है आईपीएल में, 33 के एवरेज स्कोर से बैटिंग है। प्लस में दोस्तों शिमरन हेटमायर जो कि ट्रंप प्लेयर देखने को मिल जाएगा अगर यहां से चेस करने आती है। अगर पहले बैटिंग करती है राजस्थान रॉयल्स की टीम तो ध्रुव जुरैल प्लस में शिमरन हेटमायर दोनों की बैटिंग देखने को नहीं मिलेगी। उसके साथ दोस्तों अश्विन की बात करें, जो कि रिसेंट वाले मैच में 1 विकेट मिली है, बाकी के कंटिन्यू मैचों में ये खिलाड़ी फ्लोप है। हेड टू हेड में दोस्तों इस खिलाड़ी ने टोटल 11 विकेटें निकाली है 18 मैचों में, ग्राउंड पे 5 विकेट है, आईपीएल में 173 विकेट ये खिलाड़ी निकाल चुका है, काफी बढ़िया एक्सपीरियंस है। प्लस में पिच के हिसाब से दोस्तों 1 विकेट आज के मैच में ये खिलाड़ी फिर से निकाल सकता है, क्योंकि दोस्तों पिच पे स्पिनर्स के लिए हेल्प होने वाली है और कंटिन्यू 4 ओवर ये खिलाड़ी करवा रहा है। उसके साथ ट्रेंट बोल्ट जो कि कंटिन्यू परफॉर्मेंस है इस खिलाड़ी की तरफ से, हेड टू हेड में 13 विकेट, ग्राउंड पे 3 विकेट, आईपीएल में 115 विकेट, लेकिन दोस्तों ट्राई करके चल सकते हो, सीवीसी में बढ़िया ऑप्शन नहीं रहेगा ट्रेंट बोल्ट। उसके साथ आवेश खान की बात करें, आवेश खान भी दोस्तों आज के मैच में 1 या फिर 2 विकेट के साथ परफॉर्मेंस कर सकता है, रिसेंट के कंटिन्यू मैचों में परफॉर्मेंस है, हेड टू हेड में 8 विकेट है, ग्राउंड पे 1 विकेट है, आईपीएल में 65 विकेट दोस्तों यहां पर आवेश खान ने निकाली हुई है। उसके साथ संदीप शर्मा जो कि कंटिन्यू 2 मैचों से ये भी परफॉर्मेंस पे है, 1 विकेट, उसके बाद फिर से 1 विकेट, यहां पर 1 मैच में फ्लॉप, फिर 5 विकेट, 2 विकेट, हेड टू हेड में 9 विकेट है, ग्राउंड पे दोस्तों 15 विकेट है, आईपीएल में 132 विकेट है। अगर यहां पर दोस्तों संदीप शर्मा अगर बाद में बॉलिंग करवाता है, मान के चलते हैं पहले सनराइज हैदराबाद की टीम बॉलिंग करवाती है या फिर दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम पहले बैटिंग करती है, तो बाद में यहां से बॉलिंग करवाएगी राजस्थान रॉयल्स की टीम, फिर दोस्तों संदीप शर्मा आपको वीसी में ट्रंप प्लेयर भी देखने को मिल सकता है और यहां से दोस्तों लगभग 2 से 3 विकेटों के साथ परफॉर्मेंस करेगा। उसके साथ दोस्तों फाइनल बॉलर जो कि यूजी चहल रिसेंट वाले मैच में फ्लॉप है, उसके साथ कंटिन्यू मैचों में परफॉर्मेंस, हेड टू हेड में 28 विकेट है, टोटल 19 मैचों में, ग्राउंड पे 7 विकेट है, 200 विकेट कंप्लीट कर चुका है दोस्तों आईपीएल में। और यूजी चहल ने दोस्तों हेड टू हेड में जबरदस्त परफॉर्मेंस किया हुआ है, पिच पे अभी तक इसने 7 विकेट निकाली है, तो 2 विकेटों के साथ दोस्तों यहां से यूजी चहल परफॉर्मेंस करके देगा। प्लस में लो सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है, अगर बाद में बॉलिंग करवाती है तो वीसी में भी ट्राई करके चल सकते हो संदीप शर्मा यूजी चहल, जो कि दोनों खिलाड़ी परफॉर्मेंस करेंगे। ये दोस्तों फाइनली राजस्थान रॉयल्स के फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें दोस्तों इनके स्टार्टिंग और डेथ में जो खिलाड़ी बॉलिंग करवाता है, स्टार्टिंग में ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा, आवेश खान, अश्विन, और डेथ में दोस्तों संदीप शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान और अश्विन, ये खिलाड़ी स्टार्टिंग और डेथ में बॉलिंग करवाते हुए नजर आ सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों इनके बेंच प्लेयरों के बारे में, जो कि टोटल 6 बेंच प्लेयर हैं, रोमन पोल जो कि
कंटिन्यू दो मैचों से बैटिंग नहीं है, हेड टू हेड में एक ही मुकाबला खेला था जिसमें 67 रन का परफॉर्मेंस किया। ग्राउंड पे दोस्तों पहला मैच है, 19 का एवरेज स्कोर आईपीएल में है। टॉम कोहलर की बात करें जो कि अभी तक आईपीएल मुकाबला नहीं खेल चुका है, 28 का एवरेज स्कोर दोस्तों बैटिंग से है T20 फॉर्मेट में, 4734 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हुए हैं। बाकी दोस्तों केशव महाराज भी खेल सकता है जो कि रिसेंट वाले मैच में 2 विकेट है, आईपीएल में 2 ही मुकाबले खेले हुए हैं, 2 विकेटों के साथ परफॉर्मेंस। बाकी कुलदीप सैन भी जो कि रिसेंट में मैचेस खेले थे, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस है, संदीप शर्मा की जगह ये खिलाड़ी खेल सकता है, 14 विकेट दोस्तों इस खिलाड़ी ने आईपीएल में निकाली हुई है। नवदीप सैनी अभी तक दोस्तों कोई भी मुकाबला आईपीएल का नहीं खेला है रिसेंट 2024 में, और यहां पर टोटल 32 मुकाबले खेले हैं आईपीएल के जिसमें इतना बढ़िया परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी की तरफ से देखने को नहीं मिला है। बाकी दोस्तों यहां से कोई भी खिलाड़ी अगर इंपैक्ट प्लेयर में खेलता है वो अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना। बात करेंगे दोस्तों प्लेयर बैटल के बारे में, तो सबसे पहले दोस्तों बटलर, एक बार भुवनेश्वर कुमार, एक बार पैट कमिंग्स, एक बार यहां से उमरान मलिक। यशस्वी जायसवाल को दोस्तों कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं कर चुका है अभी तक, यहां पर 27 बॉल में 44 रन, 4 बॉल में 9 रन, 4 बॉल में 6 रन। रेयान पराग को 2 बार नटराजन, 1 बार दोस्तों पैट कमिंग्स, संजू सैमसन को 3 बार भुवनेश्वर कुमार, लेकिन दोस्तों काफी ज्यादा रन दिए हुए हैं 118 रन, और नटराजन 1 बार, 1 बार शहबाज अहमद, 1 बार सुंदर, और दोस्तों हेटमायर को यहां से 1 बार भुवनेश्वर कुमार और 1 बार नटराजन। ये दोस्तों प्लेयर बैटल देखने को मिलेगा राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, लेकिन यहां पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल का प्लेयर बैटल काफी अच्छा है, बाकी सभी खिलाड़ियों ने यहां पर किसी ना किसी खिलाड़ी को आउट किया हुआ है, लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल को कोई भी बॉलर अभी तक राजस्थान रॉयल्स का आउट नहीं कर पाया, तो शायद ये खिलाड़ी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करके देगा। उसके साथ दोस्तों फैंटेसी के हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ी जो कि ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, एडन मार्करम, हेनरी कैलासन, इधर से दोस्तों बटलर, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन और उसके साथ रेयान पराग। ट्रंप प्लेयर में दोस्तों यहां से जयदेव उनादकट और नटराजन, इधर से दोस्तों आवेश खान और युजवेंद्र चहल, ये दोस्तों टोटल 4 खिलाड़ी जो कि ट्रंप प्लेयर में देखने को मिलेंगे। ये टोटल 8 खिलाड़ी जिनका सबसे ज्यादा आज के मैच में फैंटेसी में दोस्तों सिलेक्शन रहेगा, और इन खिलाड़ियों के ऊपर दोस्तों आपको रिस्क भी लेके चलना है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने माई 11 सर्कल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है प्लस में, इस एप्लीकेशन में 1 रुपए में ये वाले ऑफर को ज्वाइन नहीं किया है, तो नीचे दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जल्दी से इस ऑफर को जरूर ज्वाइन कर लेना। प्लस में माई 11 सर्कल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत बोलना जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि जो दोस्तों 2 मई को मैच होने वाला है हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, मैच से पहले दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आज ही डाउनलोड करें माई 11 सर्कल एप्लीकेशन, 1 रुपए में दोस्तों जीते 25,000 रुपए का कैश प्राइज, और उसके साथ साथ दोस्तों यहां पर मिनिमम फर्स्ट प्राइज आपको 1 करोड़ का देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ दोस्तों 20% एक्स्ट्रा जो कि माई 11 सर्कल एप्लीकेशन दे रही है, यानी कि दोस्तों अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो 120 रुपए का आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ दोस्तों 1500 रुपए का वेलकम बोनस भी माई 11 सर्कल एप्लीकेशन दे रही है, काफी बढ़िया एप्लीकेशन है, ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, ऑफिशियल स्पॉन्सर भी है टाटा आईपीएल 2024 में। मैं तो दोस्तों कंटिन्यू इसी एप्लीकेशन पर खेल रहा हूं, काफी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रहा हूं। आप भी दोस्तों इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है। बात कर लेते हैं मेरी आज की फाइनल फैंटेसी टीम के बारे में, तो यहाँ से दोस्तों आपको दोनों टीमों में ट्रेविस हेड कैप्टनसी में देखने को मिलेगा। एक टीम में वीसी दोस्तों मेरा बटलर है, और इसके साथ हेनरी कैलासन, संजू सैमसन, और यहाँ पर दोस्तों हेनरी कैलासन, संजू सैमसन जिसमें बटलर को ड्रॉप किया हुआ है, वीसी में दोस्तों यहाँ पर यूजी यशस्वी जायसवाल, पैट कमिंग्स, रेयान पराग और अभिषेक शर्मा, नटराजन, यूजी चहल, ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा, यहाँ पर दोस्तों मैंने नीतीश रेड्डी, अभिषेक शर्मा, पैट कमिंग्स, रेयान पराग और नीचे नटराजन, और यहां पर एडन मार्करम और यशस्वी जायसवाल। ये दोस्तों मैंने फाइनली दो स्मॉल लीग के कॉम्बिनेशन बनाए हैं। अगर ग्रैंड लीग टीम में ट्रंप प्लेयरों की बात करें तो विकेट कीपर में दोस्तों आपको ट्रंप प्लेयर यहां पर देखने को मिल सकता है, वीसी में संजू सैमसन, बाकी दोस्तों हेनरी कैलासन जो कि लो सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है। उसके साथ साथ दोस्तों ट्रंप प्लेयर में आपको देखने को मिलेगा सिमरन हेटमायर, जो कि बैटिंग दोस्तों आज के मैच में उस खिलाड़ी की देखने को मिल जाएगी अगर यहां से बाद में दोस्तों बैटिंग करती है राजस्थान रॉयल्स की टीम। उसके साथ साथ दोस्तों यहां पर एक खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी, उसके साथ दोस्तों शहबाज अहमद जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस करके देगा, उसके साथ दोस्तों यूजी चहल जो कि ट्रंप प्लेयर में देखने को मिलेगा, मयंक मार्कंडे अगर खेलता है तो वो खिलाड़ी भी दोस्तों ट्रंप प्लेयर में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों यहां
यहाँ पर अगर बैटिंग सेक्शन की बात करें तो बैटिंग ऑर्डर में दोस्तों अभिषेक शर्मा जो कि हाई सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है, उसके साथ रेयान पराग, पैट कमिंग्स को तो हमने ट्राई कर ही लिया है, एडन मार्करम, संजू सैमसन और हैंड्रिक कैलासन भी हमारी टीम में है। बाकी दोस्तों यहाँ से ध्रुव जुरैल की बात करें जो कि पिछले मैच में 50+ रन उस खिलाड़ी ने बनाए थे, लेकिन आज के मैच में मैं उस खिलाड़ी को ड्रॉप करके चलूंगा। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर शहबाज अहमद और प्लस में नीतीश रेड्डी, ये दोनों खिलाड़ी हमारी टीम में होंगे। जयदेव उनादकट जो कि ट्रंप प्लेयर में देखने को मिल सकता है, और नटराजन, ये दो बॉलर दोस्तों सनराइज हैदराबाद की टीम की तरफ से ट्रंप प्लेयर में देखने को मिल जाएंगे। बाकी अपडेट दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, जो कॉम्बिनेशन मैं आपको बनाऊंगा ग्रैंड लीग टीम प्लस स्मॉल लीग टीम का, वो दोस्तों मैं अपडेट करता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, जल्दी से ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रखना आने वाली लगातार अपडेट के लिए। टेलीग्राम चैनल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।